छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर मिनी सचिवालय गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला की अगुवाई में नक्सलियों के हमले की निंदा की और नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई विभाग संयोजक अवनीश शुक्ला ने कहा कि शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई है और नक्सलियों से सख्ती से निपटने की मांग सरकार से की गई है। साथ ही सरकार से मांग की है कि नक्सली विचारधारा को पनपने ना दिया जाए जिससे आने वाले दिनों में देश को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों की विचारधारा से चलाए जा रहे छात्र संगठनों पर नकेल कसी जाए ताकि इस तरह की विचारधारा ना पनप सके। उन्होंने अभिभावकों से भी निवेदन किया कि नक्सलवादी छात्र संगठनों का साथ न देने के लिए अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें। प्रथम वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में उन नक्सलवादी संगठनों के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कुछ नक्सलवादी संगठनों को समर्पित कई ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल कॉलेज में चलने आ रहे जिन्हें कॉमरेड के नाम से जाना जाता है वो बंदूक के नोक पे इस देश में अपना राज करने चाहती है। मेरा सभी माता पिताओं से यह निवेदन है कि वह अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वह उस नक्सलवादी संगठनों की कुसंगत में आके कभी देश के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।